रोहित शर्मा का बनबास होगा खत्म। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 1 नवंबर से मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि टीम यह टेस्ट सीरीज हार गई है। बेंगलुरु और पुणे के खेले गए टेस्ट मैचों में कीवी टीम ने भारत को हराकर पहली बार भारतीय धरती पर टेस्ट सीरीज जीती है। वहीं टीम इंडिया 12 साल बाद घर में कोई टेस्ट सीरीज हारी है, लेकिन अब रोहित एंड कंपनी इस हार को भुलाकर जीत के साथ सीरीज का शानदार अंत करना चाहती है। आपको बता दें कि यह टेस्ट मैच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी खास होने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा अब 11 साल के लंबे समय के बाद 2013 में मुंबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वह टेस्ट रोहित शर्मा के लिए बेहद खास था। उस टेस्ट में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक लगाया था। हिटमैन ने 111 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के करियर का आखिरी टेस्ट मैच भी था। उस समय से भारत ने वेस्ट इंडीज को पारी और 126 रनों से हराया था। रोहित 11 साल बाद मुंबई के लिए इस मैदान पर एक बार फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ यादगार पारी खेलना चाहेंगे। 37 साल के रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में अब तक कुल 63 मैच खेले हैं, जिसकी 109 पारियों में उन्होंने 42 की औसत से 4241 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनके बल्ले से अब तक 12 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उनका उच्चतम स्कोर 212 रन है। रोहित के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।